भागलपुर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भागलपुर के छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के कारण श्रद्धालुओं और छठव्रतियों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भागलपुर के ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। कई रूट पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, तो कई रूट को डाइवर्ट किया गया है, जिसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह खुद पूरी व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए निर्देश दिया है। सभी के घर में पर्व होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ हम लोग पोस्टेड हैं, तो यहाँ के जो छठ व्रती है वो भी हमारे परिवार के सदस्य है और हम लोग बर्दीधारी है, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की, तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं। चार चौबंद लोग व्यवस्था किए हैं हमारे बड़ी पदाधिकारी डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। अब कहाँ से शुरुआत की? शुरुआत तो हम लोग अब जो टाउन का है जनरली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग शुरू किए थे। यूनिवर्सिटी, गोलाघाट, कुशाहा गोलाघाट, सखीचंद घाट, बुआनाथ, आदमपुर घाट, धोबिया घाट कहलाता है, कोयला घाट कहलाता है, शम कॉलेज घाट, हनुमान घाट, टिपली राम घाट, सीढ़ी घाट, बराड़ी घाट इत्यादि कई घाट छोटी भी होगी। इस सभी जगह पे छठ व्रत लोग आएंगे और डाला लेके सभी लोग आएंगे, तो उसमें हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनियुक्ति किया है, टोली लगवाया है, बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है। जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है, वहाँ हरिमोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। छठ महापर्व शुद्धता का पर्व है, इसको लेकर नहाए खाए के दिन से ही लोग आस्था का डूबकी भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर लगाते हैं, क्योंकि गंगाजल को लोग पवित्र मानते हैं और इस पर्व में पकवान श्रद्धालु गंगाजल से ही बनाते हैं। भागलपुर के कई ऐसे गंगा घाट है जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा घाट को बनाया गया, लेकिन गंगा घाटों में नाले का पानी बहता है, इसको लेकर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु में काफी रोष व्याप्त है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हम लोग पवित्र होने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा घाट पर गंगाजल के बदले नाली के पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। दिक्कत यही हो रहा है कि पूरा गंदगी है, यहाँ कैसे नहाए हम लोग, इसी कारण से ऊपर जा रहे हैं कि नौ से टप के ऊपर नहाते हैं, बढ़िया से जल तल लेके जाते हैं। पूरा नाला का पानी बह रहा है, पूरा नाला का पानी है, देखिए ना पूरा नाला का पाइप से पानी आ रहा है गंगा जी में। क्या होना चाहिए? गंदगी साफ सुथरा रहना चाहिए, छठ पर्व का दिन है, कल पहली अर्घ है, उस पार से आ रहे हैं, उस पार का पानी बहुत गंदा है, देख रहे हैं आप आपके सामने है किधर है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, पूरा नाला का पानी आ रहा है, पूरा नाला का पानी भी बह रहा है आपके सामने, सब देख रहे हैं। सरकार बोल रही है कि नमामि गंगा में बहुत खर्च हुआ है, बोलने और करने में बहुत फर्क है, बोल तो दिए हैं सरकार लेकिन करके दे तभी तो। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज खरना है, इस पावन मौके पर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उपमेयर डॉक्टर अलाउद्दीन हसन सहित अन्य नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम बुढ़ानाथ घाट से निरीक्षण की शुरुआत की गई, तदुपरांत खिरनी घाट, आदमपुर घाट, पिपली धाम घाट, बरारी घाट, सीढ़ी घाट तथा अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर व्यवस्था आदमपुर घाट की पाई गई, अन्य छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था लचर पाई गई, लेकिन महापौर ने आश्वासन दिया है कि कल तक जो कार्य अधूरे हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो महापौर महोदय और स्टैंडिंग की मेरी पूरी टीम, सिटी मैनेजर साहब और योजना प्रभारी सब लोगों के साथ बरारी बूढ़ानाथ घाट से हम लोग निरीक्षण करना स्टार्ट किए और पूरा बरारी घाट तक आए। उसमें से जो सबसे बेहतर घाट हमको लगा वो आदमपुर घाट था और लंच घाट था, और बरारी घाट में भी बहुत सारा काम बाकी है, उसमें काम भी बाकी है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके लिए हमने सिटी मैनेजर और योजना प्रभारी को बोला है, और जितना भी तरह का लाइट देखे कि लग रहा था लाइट की व्यवस्था हो रही थी, और कई अन्य घाटों में इसके अलावा, इन तीनों घाटों के अलावा जैसे खिरनी घाट और भी पिपली धाम घाट, ये सारे घाटों पर अभी पुआल कसार की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही ढंग से, उन सब चीजों के लिए हमने निर्देशित किया है कि। चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भागलपुर जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है।
जिसको लेकर पूर्व से ही लोग श्रद्धा निष्ठा के भाव से छठ पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ स्थानीय समिति और लोग विभिन्न छठ घाटों को सुंदर और सुसज्जित बनाने को लेकर अपनी अपनी सहभागिता देते हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी एवं असुविधा न हो। इसी क्रम में आज नाथनगर स्थित चंपा नदी घाट को भी सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं समिति के सदस्यों के द्वारा छठ घाट का निर्माण करने एवं सुंदर और सुसज्जित बनाने को लेकर कटिबद्ध है। आपको बता दें कि चंपा नदी एक ऐतिहासिक नदी है, जहां अंगराजकर ने इस नदी में स्नान कर सूर्य उपासना और दान पुण्य किया करते थे। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं समिति के सदस्यों के द्वारा चंपा नदी के ऐतिहासिक घाट पर 1983 ईस्वी से ही लगातार छठ घाट का निर्माण, साफ सफाई एवं छठ में आने वाले श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों के सुविधाओं के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते आ रही है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 1983 से ही इस महापर्व को लेकर समिति के द्वारा लगातार चंपा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं करती आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के अलावे स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग रहता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समिति के द्वारा इस घाट पर सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की जाती है एवं पंडितों के द्वारा खरना के दिन पूजन और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। 1983 से ही ये जो हमारा समिति है, चंपानदी घाट ऐतिहासिक घाट है, यहाँ कर्ण दान दिया करते थे, यहाँ कर्ण अर्घ दिया करते थे, ये ऐतिहासिक घाट है। और यहाँ खरन रात में यहाँ खरना का मूर्ति स्थापना होगी, यहाँ खरना का पूजा होगा, यहाँ सभी लोग हमारे पूजा समिति के और प्रशासन यहाँ प्रसाद ग्रहण होगा। और ये जो चंपानदी घाट है, हमारा शुरू से ही पूजा समिति के देखरेख में 1983 से ही बनाया जाता है, और नगर निगम हमारे नगर आयुक्त का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। नगर निगम की टीम भी सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं, और हमारा पूजा समिति का टीम भी दिन रात लगे हुए हैं इस घाट को। यहाँ आपका मूर्ति स्थापना होगा, यहाँ बड़का टेंट बन के तैयार, यहाँ से लाइट की व्यवस्था होगा यहाँ से लगे चौक तक, उसके बाद यहाँ महिला के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया गया है, और भव्य रूप से यहाँ दुल्हन के तरह सजा दिया जाएगा चंपानदी घाट को। और हमारे नगर आयुक्त बढ़ा भी दिए थे, लेकिन मैडम को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कि भाई ये घाट हमारा ऐतिहासिक घाट है, जो बढ़ा है मैडम उसको दिया जाए, क्योंकि यहाँ लाखों से ज्यादा खर्च होता है। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के शिक्षक 12 नवंबर से प्रमोशन की लंबी लंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय ने उनका प्रमोशन रोक दिया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने अनशन का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में कुलाधिपति डॉक्टर आरलेका के आगमन को लेकर शिक्षकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय के इंडो स्टेडियम और मारवाड़ी कॉलेज महिला प्रभाग के उद्घाटन समारोह में अनशनकारी शिक्षक भी शामिल होंगे, हालांकि वे खाली पेट रहकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा किसी भी तरह से कुलाधिपति के कार्यक्रम में व्यवधान डालने की नहीं है, बल्कि वे इसे भागलपुर के लिए सौभाग्य मानते हैं। वही शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं, वो अपना आंदोलन अनशन और अनशन कर रहे हैं। एज ए सीनियर मेंबर की हैसियत से हम उनके साथ भरपूर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। उनकी वाजिब मांगे हैं, उनका प्रमोशन होना चाहिए। कई वर्षों से ये मामला चला रहा है। कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अनर्गल आरोप लगाया गया है और जिला प्रशासन को जो पत्र दिया गया है, जिसमें इस पूरे हमारी जो जायज मांगे हैं प्रमोशन को लेके, तो इसको उन्होंने साजिश करार दिया है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस बात का खंडन करना चाहते हैं कि शिक्षकों के जो जेन्युइन जो हमारी डिमांड्स है प्रमोशन, उस प्रमोशन को विश्वविद्यालय जानबूझ करके लंबित करके रखा हुआ है। बेतुका आरोप है कि हम लोग महामहिम के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत बात है।
और इसको लेकर के हमने पूर्व में भी विश्वविद्यालय को जो पत्र दिया है उस पत्र का भी आप उस पत्र को भी देखना चाहें, महामहिम को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हमारा कोई भी मंशा व्यवधान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि उनके लिए हम सब उनके आगमन से हम सब बहुत ही अति उत्साहित हैं और भूखे पेट रहते हुए भी अनशन के दौरान हम लोग उनको पूरी तरह से उनसे उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि महामहिम पुनः हमारे इस पावन धरती भागलपुर पे आ रहे हैं। बिहार झारखंड के बॉर्डर इलाके में अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बुधवार को जिले में 8 जगह पर सीबीआई ने एक साथ छापा मारा, जहां से लाखों रुपए कैश व करोड़ों रुपए के गोल्ड व सिल्वर बरामद हुई है। मालूम हो कि झारखंड में इस समय चुनावी माहौल है, इस बीच झारखंड के कई ठिकानों पर सीबीआई दबिश दी है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम राजधानी रांची और साहिबगंज सहित 16 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, झारखंड में अवैध माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग समेत कई मामलों को लेकर मिले इनपुट्स के आधार पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। वहीं आज सीबीआई की टीम साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी में पत्थर व्यवसायी रंजन वर्मा, अवध किशोर सिंह, टिंकल भगत, संजय जायसवाल के यहां सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं दूसरे जगह की बात करें तो साहिबगंज जिले के बरहरवा में पत्थर व्यवसायी कृष्णा शाह के दुर्गापुर आवास पर और पत्थर व्यवसायी भगवान भगत, पत्थर व्यवसायी सुब्रतोपाल, उधवा प्रखंड के पत्थर व्यवसायी महताब आलम के घर सहित कुल 8 जगह पर सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं सीबीआई की कार्यवाही से जिले के पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। नहाए खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व को लेकर नाथनगर स्थित बंगाली टोला श्रीरामपुर बनिंग घाट के निरीक्षण करने नगर आयुक्त सहित नगर निगम के सभी पदाधिकारी और शांति समिति सदस्य संजय कुमार यादव पहुंचे, जहां शांति समिति के सदस्य संजय कुमार यादव ने घाट का निरीक्षण कर सही तरीके से घाट का निर्माण करने में एवं मरम्मत करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं एवं छठ व्रतियों को घाट पर किसी भी प्रकार का कोई भी और असुविधा न हो। वही छठ घाट को जेसीबी के माध्यम से समतल कर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया। मामूली विवाद को लेकर हुए गाली के बाद फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी 2 नाली बंदूक, एक लाइसेंसी 32 बोर वाली रिवाल्वर, 12 बोर का 34 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा, 32 बोर का 37 जिंदा गोली, एक आर्म्स और लाइसेंस बुक के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि राम प्रवेश राय के पुत्र जयराम के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर के पास से शंभुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने शंभुनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया कर रही है। गांव में शंभुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है, झगड़ा में शंभुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहां पहुंचा गया तो देखा है कि उसके हाथ में रिवाल्वर था, तो रिवाल्वर लेकर वो धमकी भी दे रहा था, तो रिवाल्वर लिया गया। फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक पाया गया दूसरा गन, दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, पर लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। दूसरी चीज की जो उनकी गोली मिली थी उसकी संख्या 45 और 36 था, परंतु उसमें से उतना गोली ना होगा कि गोली कम होगा। पूछा गया क्या की गोली, तो बोला कि हमने फायर किया है। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके के महादीपुर गांव में आज जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में गोली लगने से पसराहा थाना के थानाध्यक्ष संजय विश्वास घायल हो गए, जबकि फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई है। गोलीबारी होने की शिकायत पर थानाध्यक्ष संजय विश्वास अपने दल बल के साथ महादीपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें गोली लगी। जख्मी थानाध्यक्ष को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि इलाज कर रहे डॉक्टर ने जख्मी थानेदार को खतरे से बाहर बताया है। इस मामले में बताया जाता है कि गांव के दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर झड़प हो रही थी, जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष संजय विश्वास घटनास्थल पर पहुंचे, इसी दौरान फायरिंग होने लगी, जिसमें गोली लगने से सहेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि थानाध्यक्ष घायल हुए हैं। क्या घटना हुआ? जैसे शाम को गोबरी से रजिस्ट्री करवा के आए थे घर, हाँ।
तो गेट पे जैसे पहुंचा तो गेट पे ही मर्डर हुआ, तो दो आदमी था उसको पहचाना, छह आदमी था टोटल। अच्छा, दो आदमी को पहचाना। अच्छा, मृतक का पत्नी था तो पहचानी दो आदमी को। एक था सजारपुर गांव का है, चिकू कुमार है, उसका पिताजी का नाम नवीन सिंह से ऐसे कुछ है। एक ये कमरी का है, थाना के नजदीक में ही उसका घर है, उसका नाम हमको पता नहीं है। अच्छा, क्या चीज से छह लोग जाए थे, क्या चीज से आए थे? हथियार से मर्डर किया। अच्छा, बाइक से आए थे या ऐसे? ऐसे पैदल था, मेरा था, बगल में बगीचा वगीचा है, उधर ही भाग गया। दो आदमी पहचाना